यहाँ पे मेरा सेकंड टाइम है एंड सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आपको इस व्लॉग में, तो भाई मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्षमा भी ले लिए कितने का था 50। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और कमेंट कीजिएगा प्यारी प्यारी कुणाल को आगे बढ़ाने जो। अरे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग माय यूट्यूब फैमिली। सो भाई अभी इस वक्त हम है बिलासपुर जिले, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में। ये देखो गाइस बिलासपुर जिला का बोर्ड है ये। अभी हम बिलासपुर रेलवे स्टेशन में है गाइस। यहाँ पे भाई हम निकले हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के लिए गाइस। तो आज हम अभी आ चुके हैं बिलासपुर के, और भाई आज हम जाने वाले हैं बिलासपुर के ही एक पास में रतनपुर है कुछ, वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी मंदिर है माता जी का, महामाया मंदिर। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं महामाया मंदिर एंड आपको वहीं का टूर भी देने वाले हैं, क्या सीन है क्या क्या मंदिर है। भाई मैं तो एक बार और गया था और ये मेरा सेकंड टाइम है वहाँ पे, तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉग में। तो गाइस ये मेरे साथ है दीपेश, मैं, कोमल, प्रेमजोत और क्षमा मानसी, ये लोग हैं। मानसी और क्षमा दूसरे ट्रेन में आ रहे हैं क्योंकि वो लोग का ट्रेन छूट गया था हम लोगों के कारण, एंड वो लोग दूसरे ट्रेन में, थोड़ा पीछे ही वो लोग भी आने वाले हैं। तो गाइस साथ में सभी आते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है अपना और कहाँ जा रहे हैं, कैसा है, क्या माहौल है। तो भाई जो लोग चैनल पे नए हो ना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक एंड मिलते हैं गाइस उन लोग के साथ से। आप ये देख लो यही ट्रेन से हम लोग आए थे, लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे भाई, क्या करें एक्सप्रेस ट्रेन मिली नहीं तो यही ट्रेन मिली थी, तो इसी से अपन आए थे एंड ये ट्रेन हमें छोड़ के जा रही है। बाय बाय गाइस, वेलकम टू कुणाल ब्लॉग। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और कमेंट कीजिएगा प्यारी प्यारी कुणाल को आगे बढ़ाने जो। अरे थैंक यू वेरी मच। सो गाइस वक्त अपन एक तीन रिक्शा में बैठ चुके हैं और यहाँ से हमें जाना है नेहरू चौक ना, नेहरू चौक से हमें बस मिलेगा। वहाँ पे बस का किराया नहीं पता मगर ऑटो वाले भैया ने पर पर्सन 30 रुपए लिया है जो कि बहुत अच्छा है। हाँ मैं दे रहा हूँ वीडियो में बस ऐसा बोलना बाकी तो मिलेगा। ये तो भैया दोनों हमसे छूट गई थी तो ये अभी मिल चुकी है हम दोनों को, आई मीन हम सभी को। ठीक है गाइस नेहरू चौक पे मिलते हैं आपको। अपना एक ये देखो गाइस रतनपुर मंदिर के लिए इधर देखते हैं अभी। वो देखो गाइस हनुमान जी दिख रहे एकदम प्यारे से। ओ पहुंच गए भाई, पहुंच गए। जय माता दी। सो गाइस अपन महामाया मंदिर रतनपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ का कुछ इंटरफेस ऐसा है एंड सामने में एक शिवजी की बनी सी एंट्री गेट के ऊपर मूर्ति बनी हुई दिखती है, बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे पूरा माहौल अच्छा है, इधर सब आजू बाजू पूरा प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और चलो गाइस अंदर चलते हैं। और अरे यार हम लोग कुणाल का वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं आप लोग का दोस्त कुणाल। सो गाइस ये है महामाया मंदिर जी का जाने का मार्ग और भाई हमारे हाथ में देख रहे हो जूते, चप्पल, बैग, चार्जर वगैरह इधर ऐसा ही है अपना, कोई इधर मतलब उतना वो नहीं है। और इधर दुकानें देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है भाई इधर की। और मंदिर अपने को आगे मिलेगा तो अपने को भी लेना है प्रसाद, हाथ पैर भी धोना है क्योंकि जूते पकड़े हुए हैं। जहाँ प्रसाद लेंगे अपन वहीं पर जूते चप्पल रख देंगे और उसके बाद अपन दर्शन करेंगे प्रसाद और साथ लेके, तो चलो अभी मिलते हैं। तो गाइस अभी अपन मंदिर के जस्ट गेट के पास ही बहुत सारी दुकानें थी तो वहाँ से हमने ये 50 रुपये का प्रसाद जो है सेटअप कंप्लीट आता है वो हमें 50 रुपये का पड़ा है। इसमें अगरबत्ती, नारियल और श्रृंगार के सामान है और भाई अपन सभी ले लिए, क्षमा भी ले लिए कितने का था 50 रुपये का भाई सही है। यहाँ पे सही है, लूटते नहीं है बाकी जगह की तरह पर यहाँ पे सही है। सो भाई यहाँ से हमारी एंट्री होती है पंचमुखी शिव मंदिर महामाया वाटिका। गाइस यहाँ पे मेरा सेकंड टाइम है एंड सेकंड टाइम का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा आपको इस व्लॉग में, तो भाई मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आया था उतने अच्छे से नहीं देख पाया था मैं मंदिर को, बट अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई क्योंकि उस टाइम मैं रात में आया था और अभी दिन का माहौल है, बहुत ही प्यारा माहौल है, माहौल भी अच्छा है खासा। इधर सीन भी चेक करो गाइस यहाँ पे कुछ है, अच्छा लग रहा है। नवरात्रि के बाद तो थोड़ा भीड़ है यहाँ उसके बावजूद भी, पर कोई नहीं मजा आ रहा भाई। यहाँ पे दो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और दो तालाब भी है यहाँ पे जिसमें एक नाव चलता है और एक में नहा सकते हैं ऐसा मैं मतलब मैंने नहाया था पिछली बार जब आया था। तो बाकी आपको चेक कराता हूँ, मंदिर उधर है और एक ये है और मैं तालाब बता रहा था आपको, ये है वो तालाब जिसमें अपन नहाए सकते हैं एंड वो सॉरी पकड़ना
एंड वो मंदिर देखो गाइस, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, दोनों बहुत ही अच्छी लगती है। और भाई इधर का सीन चेक करो, पूरा बहुत भीड़ है भाई। सेकंड टाइम में अच्छा लग रहा है, आगे बहुत अच्छा लग रहा है। बस माता जो मैं चाहता हूँ वो पूरा कर देना, मैं सेकंड टाइम और आऊँगा, थर्ड टाइम हो जाएगा फिर। प्रेम जोत कुछ बोलोगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर में, आगे आप लोग भी जल्दी आइए। आप लोग तो गाइस यहाँ पे देखो प्रवेश द्वार है, ये छोटा सा मंदिर है, देन उसके अपन अंदर हो जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा भीड़ है देख सकते हो। या ब्रो बोलो क्या बोल रहे हो? इंग्लिश हो गए। माहौल चेक करो भाई, एक नंबर भाई। ये जो है ना ये नया नया बना अभी अभी। सो गाइस अपन ने दर्शन कर लिए हमारे माता जी का, और भाई जो है वैसे ही है। और भाई मैं बाहर से पहले आपको दिखा सकता हूँ, ये अपना अंदर से कुछ ऐसा दिखता, और इसी के अंदर हमारी महामाया मंदिर माता जी विराजित है और स्थित है। बहुत ही पुरानी मंदिर है गाइस, देख सकते हो आप यहाँ पे। एंड यहाँ का कुछ ये सीन है, यहाँ पे छोटी छोटी पूरी माता बैठी हैं, और ये हमारे फ्रेंड्स लोग हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं, वो लोग भी दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। जय माता जी, फिर से आना है यहाँ पे। ए हाय करो सबको इधर इधर, क्षमा कुमार जय हो महादेव की जय हो। ठीक है गाइस, मैंने भी सबसे पहले दर्शन कर लिया है, तो मैं सोचा जो टाइम बचा है मैं अपने वीडियो में लगा लेता हूँ, तो अपना हो गया है। और अपन यहाँ से बाहर निकलेंगे और उधर का घूमेंगे और वो दिखाएंगे आपको। सो गाइस फाइनली हम ये मंदिर के पास आ गए हैं। तो अंदर में ना एक बड़ा सा मंदिर है भोले बाबा का, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है भोले बाबा जी का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा। वीडियो कर सकते हैं अंकल? नहीं कर सकते? अच्छा सॉरी अंकल, बस ठीक है लगा दो। तो भाई यहाँ पे वीडियो नहीं कर सकते, तो अपन वीडियो नहीं करेंगे। देन भाई सबसे संजय मेरे को, मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, आता हूँ पहले। चलो गाइस घूम के आते हैं, देखते हैं। भाई सभी लोगों से गुजारिश है, यहाँ पे ना तुम्हारे बाप दादा छोड़ के नहीं गए हैं इसको, जो अपने महबूबों को नाम लिखोगे। देख लो गाइस, जो कारीगर मंदिर बनाने लगे हैं उसको अपने महबूबों का नाम मत लिखा करो और अपना नाम मत लिखा करो, नाम लिखने से तुम्हारा नहीं होने वाला है। एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो ये मंदिर है जो कि ये बंद है। वाह बट अच्छा है, सामने से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करो गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मंदिर, बहुत अच्छी है ये। और गाइस आज का वीडियो कुछ यही है, और अपन यहाँ से घूमने के बाद अपन घर की ओर जाएंगे, और घर भी हमें ट्रेन से जाना है तो हम जल्दी निकलना चाहेंगे। तो गाइस जो जो चैनल पे नए हैं वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और नेक्स्ट व्लॉग में क्या होता है उसके जानने के लिए तो भाई जुड़े रहना हमारी फैमिली से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। सो गाइस ये है अपने बिलासपुर का रेलवे स्टेशन गाइस, देख सकते हो बहुत प्यारा सा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।